हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं गंगा प्रसाद जी। अपना हुनर मेरी इस झोली में डाल दीजिए। ताकि आपकी कारीगरी, आपके डिजाइन्स सिर्फ बनारस ही नहीं पूरी दुनिया देखे। और हम आपसे वादा करते हैं कि आपके सम्मान में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। चकरा, ये सिर्फ पेशगी है। हमारे बेटे ने जो कुछ भी किया उसके लिए हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं। जो हुआ उसे भूल जाइए और बन दीजिए हमारी दुकान 16 श्रृंगार के लिए आपके डिजाइन्स की साड़ियां। उन्होंने मुझे कच्चे के ढेर में फेंका, वो बहुत बहुत बुरे हैं। इस दुपट्टे का काम बहुत अच्छा है, आप चाहते हैं कि तुम हमारे लिए काम करो। अपनी संकटा मैया से हमारी सिफारिश करना कि इस बार पूजा के लिए एक दिन बंद रखा तो आगे के 364 दिन हमारा कारखाना एकदम लपालप चलता रहे। एक मिनट, मैं अब भी आया। ये संकट टूटिए, अब ये क्या करने वाली है? हटो! हट जाओ! के लिए साड़ियाँ। हम? हाँ, हम सब बस्ती वाले। Oh,
है क्योंकि इन पकवानों में से एक भी टेस्टी नहीं है। कह देना मंजली बहू को कि हमारे लिए आगे से खाना ना बनाए। मेरा खाना गिरा दिया। अभी दादी से बोल के तुम्हारी डांट पड़वाऊंगा। वंश, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। मैंने खाना नहीं गिराया। हाँ, जैसे गुलेल भी तुमने नहीं चलाई थी। मंदिर के पास हम नहीं, कोई और था। पर मैंने तो मंदिर कहा भी नहीं। मैं तो इस कमरे की बात कर रही थी। वंश, जो तुमने यहां किया या मंदिर के पास किया था वो ठीक नहीं था। किसी को चोट पहुंचाना गलत है। मंजली बहू, एक औरत एक मर्द को ये नहीं समझा सकती कि क्या सही है और क्या गलत। ठाकुरायन जी, ये सारे मेरा परिवार है। अगर सिर्फ मेरे घर में रोटी बनेगी और इनका चूल्हा ठंडा रहेगा तो ये मुझे मंजूर नहीं होगा। अगर आपको मेरी और बाबा की बात सही लगी तो मिलाइए हाथ। हम वादा करते हैं, जब तक गंगा प्रसाद जी हमारे साथ काम करेंगे, इस बस्ती के हर बुनकर का घर का जरूर चलेगा। ठाकुरायन जी, ठाकुरायन जी, आपका दिल बहुत बड़ा है। सच्चे में बहुत अच्छी हैं आप। बाकी देखिए, आप चिंता मत कीजिए। और हम है ना, हम नीलू, बिना नीलू गद्दीदार होता नहीं साड़ियों का व्यापार। बाकी देखिए, हम सब समाज। कल 12 बजे आ जाना हमारी दुकान पे, सबसे आपको मिलवा देंगे जी। और कब, क्या और कैसे करना है ये भी समझा देंगे। क्या आप 1 मिनट और रुक सकते हैं? मैंने सब सुन लिया मानसी, छोड़ो मैं ले लेती हूँ। देखो, बच्चे जो होते हैं ना, वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं। उन्हें जो आकार दो वो उस आकार में ढल जाते हैं।
मुझे दुख इस बात का है कि वंश के मन में जो आकार बन रहा है वो सही नहीं है, और जिस मानसी को मैं जानती थी उसमें तो बहुत सारी ममता थी, बहुत प्यार था। जब तुम माँ बनने वाली थी तो तुम कितनी खुश थी, फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारी ममता तुम्हारे दिल के अंदर पड़े पड़े सूख गई? मुझे जाने दीजिए। तो नहीं छोड़ सकते, मेरी बेटी गुड़िया, ले जाओ इसे और बहा दो इसे गंगा में। जिस पे ममता लुटानी थी जब वही छीन गया तो ममता तो सूखेगी ना दीदी। छीन गया मतलब? मेरा मतलब था कि मेरी मानसी का मतलब है कि बचपन से लेकर के आज तक वंश को मां ने ही संभाला है, तो मानसी को अपना प्यार दिखाने का मौका ही नहीं मिला। आपकी और मेरी कहानी एक ही है दीदी, आप बच्चा पैदा नहीं कर पाई इसलिए मां नहीं बन पाई, और मैं पैदा करके भी मां नहीं बन पाई। एक पेशगाह हमारे लाई थी, एक तोहफा हमारे तरफ से आपके लिए। हो गया ना बराबर? तो कहा है ना ठकुराइन, ये हमरे यहाँ के रीत है कि कोई सुहागन अगर पहली बार आती है तो हम उसे ऐसे ही विदा नहीं करते हैं, उसका खोइचा भरते हैं। ए रामफल की दुल्हनिया आओ, अरे आओ आगे, जरा जरा रीति निभाओ। खोइचा संकट मैया, ये बहुत सगुन की चीज है, इसे हमेशा अपने पास संभार के रखिएगा। एक बेटी ने दिया ये आशीर्वाद आपको, इसका खूब फल देगी आपको संकट मैया, है ना बाबा? अब हम चलते हैं। बेटी ने दिया ये आशीर्वाद आपको, इसका खूब फल देगी आपको संकट मैया। हम दरभंगा घाट जाएंगे।
आज तो तूने कमाल कर दिया डोरी, इसीलिए तो कहते हैं बिटिया जो होती है ना अन्नपूर्णा होती है। धन्यवाद बिटिया। बाबा सिर्फ धन्यवाद नहीं, गंगा चाचा और डोरी से माफी भी मांगनी पड़ेगी। माफ कर दे यार गंगा, तू कहे तो तेरे सामने कान पकड़ के उठक बैठी कर लेते हैं महाराज। गोविंद काका ऐसा मत कीजिए, ये गलत है, पूरा नीचे बैठ के उठक बैठक कीजिए। अब ठीक है ना डोरी? हाँ हाँ। चलो चले। देखना बाबा हम खूब बड़े बनेंगे और आप भी बाकी बुनकरों की तरह साड़ियाँ बुनोगे और आपका नाम सिर्फ बनारस में नहीं पूरी दुनिया में होगा। मैं तो हैरान हूँ डोरी, तूने कभी इस बस्ती के बाहर कदम तक नहीं रखा, फिर भी आज ठाकुरान के सामने सब अच्छे से संभाल लिया। मुझे लगता है तू किसी बड़े राजा महाराजा के घर जन्मी होगी। मैं अभी भी बहुत बड़े राजा की राजकुमारी हूँ, अगर विश्वास नहीं है तो आप खुद देख लो। बाबा के घर डोरी आई है, बाबा के घर डोरी आई है, निम्बुआ पे मीठी निम्बोरी आई है, बाबा के घर डोरी आई है, बाबा के घर डोरी आई है। हमारा तन मन और आत्मा को पवित्र कर दो माँ गंगा। हमारी शुद्धिकरण कर दे माँ गंगे। आज उस मामूली लड़की की वजह से हमें उस कीचड़ में उतरना पड़ा, उन लोगों के बराबर तुम्हें खड़ा रहना पड़ा जिनके आकार हमारे ऐसी शुद्धि की है। एक के बाद एक वो लड़की हमारा अपमान करती रही। नहीं बोलेंगे हम कि हम सम्मान करने वालों को कभी बोलते नहीं और अपमान करने वालों को ये भूलने नहीं देंगे कि कैलाशी देवी का अपमान करके उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। कितनी बड़ी भूल की है।